ले लो ये भाई ले लो। भाई के लिए कौन सी आ चुकी है मेला फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी अम्मी को दिखा दे। हम लोग तो कल आए थे लेकिन अम्मी इतने सालों बाद आई। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम मुंबई के लिए निकले हैं, मतलब झांसी जाने के लिए, लेकिन हम एक घंटा पहले निकले थे ताकि हम लोग मेला देख ले। फ्रेंड अभी सब लोग गई हैं ट्रेन वाले झूले में झूलने। नहीं पक्का हूँ ना, बस साथ में टेंशन क्या। अरे अरे मैं हूँ, 10-15 सालों से नहीं बैठी हूँ आपके चक्कर में, मैं डर रहा हूँ। अरे लालपी लारा और बोलो दिल्ली चैनल है ना, दिल्ली दिल्ली वाला। अरे 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 ये क्या है, कैसा रहा झूला? बहुत अच्छा। हमारे एक भाई है झांसी में, उस दिन हम उनको फोटो नहीं दे पाए थे, आज भी सारे वो आ गए हैं। क्या नाम है भाई आपका? सनी। सनी नाम है आपका भी? सही नाम, मेरा सही नाम है। आ जाओ ग्रेट अम्मा ग्रेट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले और बड़े थे मतलब अभी हम लोग सनी भाई के पास, हम लोग कितना आए थे उधर जाओ आके। अल्लाह हाफिज, बाय शादाब। सामान पूरा है ना सर? सामान पूरा है हाँ। चलिए फ्रेंड्स चलने लगी ट्रेन। चलो सब सफर की दुआ तो पढ़ो। पढ़ ली तुमने? पढ़ो। फाइनली बैठ गए, हैप्पी? बहुत ज्यादा। बहुत का कुछ मिलेगा मिलेगा। अम्मा भूख तो नहीं लगी? नहीं भूख नहीं लगी यार, लम्बिया जैसे तेमु जोड़वा वाली साथ में जलम ते जोड़ा। मेरा समझ में आया, मम्मी घर से लेके आई है और मैं ये घर से कड़ी लेके आई हूँ। अम्मा ने मुझे पैक करके दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी हो फ्रेंड चार सीटें मिल गई, अल्लाह का एहसान है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है खाना खाने में लेकिन ठीक है, खाओ जल्दी से। आइसक्रीम भी आ गई है फ्रेंड्स, आइसक्रीम इतने मजे से एंजॉय करते हुए। सब लोग एक सीट में दो दो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, नीचे अम्मी बेटी का भाई लेट रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हैं मुंबई। चलो फाइनली आ गए, सामान वामान रख के फिर आते हैं। चलो फिर मिलते हैं। चाबी चाबी किसके पास? लाइट ऑन कर दो। फाइनली फ्रेंड्स घर आ चुके हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग जाने लगे अपने घर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स मैं दूध पकाने लग देती हूँ सबसे पहले तो, और हमने मंगा लिया यहाँ पे सब्जियाँ। आते साथ फ्रेंड्स इनॉग्रेशन कर दिया। वहाँ जाने के बाद हमने रेस्ट किया, व्लॉग एडिट किया, अभी हमें शादी है, अभी जाना है भाई भाभी का डिनर पे, और साथ साथ अपनी चीजें भी इकट्ठा कर दी जा रही है जो मुझे डाइट में लेना है, और मुझे हंस खाने के लिए कहा है, ईट सब गोल, पता नहीं मुझे कैसा लगेगा, और भी चीजें इकट्ठा करनी है। तो बस नीचे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स, और मेकअप तो करना ही नहीं क्योंकि बस नीचे ही जाना है, तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लिया क्योंकि विंटर्स आ गए, और विंटर्स में हमारे फेस के लिए तो हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन हाथ पैरों को क्या टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो एकदम ड्राई हो रही है, फट रही है, और इसको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। तो हम सबको ऐसा बॉडी लोशन चाहिए होता है जो विंटर्स में हमारी बॉडी को दिन भर मॉइस्चराइजेशन दे। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ के बॉडी लोशन, मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुकी थी, और अब भी सीजन आ गया है इन्हें यूज करने का। मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स मामा अर्थ का वाइटामिन सी बॉडी लोशन। फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बना हुआ है नेचुरल इंग्रीडियंट से, और इसमें टॉक्सिन्स भी नहीं है, और ये मुझे दिन भर मॉइस्चराइजेशन भी देता है। ये बॉडी लोशन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, और बहुत ज्यादा लाइट है। फ्रेंड्स आपको ये हाथ का बच
बचा हुआ बॉडी लोशन आपके फेस पे नहीं यूज करना है। फेस के ग्रो के लिए और मॉइस्चराइजेशन के लिए आता है मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। मामा अर्थ के बॉडी लोशन में फ्रेंड्स 3 वेरिएंट्स आते हैं, मेरा फेवरेट है विटामिन सी वाला। इसमें दूसरे वेरिएंट भी आते हैं जैसे कि हनी मलाई बॉडी लोशन और उपटन बॉडी लोशन। अगर आप ये विंटर ये बॉडी लोशन खरीदते हैं तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी चल रहा है, अगर आप एक खरीदेंगे तो आपको दूसरा फ्री मिल जाएगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट के साथ साथ फ्रेंड्स उनका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपका ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामा अर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। और अब मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है और आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट नायका मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप पे जाके। उनकी वेबसाइट या ऐप पे जाके लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबर 2023, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो मेरी डाइट की और भी चीजें आ गई। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी चीज की अल्लाह कसम हमें बहुत ढूंढे नहीं मिल गया, क्योंकि हमें ये था कि समीर भाई ढूंढ पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। निस्बत है इसीलिए हम ढूंढ के लिए आए अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, चीज भी मिल गई। ये मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि हमें पता ही नहीं था इसका नाम क्या होता है, कहाँ मिलता है। अभी चलते हैं हम लोग डिनर में। सबसे पहले चीज आके देखते हैं अम्मा बेटी का अम्मी लोग क्या कर रही है। अस्सलामुअलैकुम। रेडी? ये क्या कर रही है मैडम? आप तो बेचारे पढ़ाई पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट अम्मा। अस्सलामुअलैकुम। सलाम बेटा, क्या हाल चाल? खूब अच्छे। कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा अच्छा गुजरो। सुबह से 3-4 बजे कम का ही नहीं आई नहीं। बस अब आऊंगी अम्मा, आज आराम कर रही। मोर में एक मतलब रहा है। कौन सी? वो जो पेव करती है। अच्छा शी अभी मंगा देंगे। क्या बुखार जैसा है? सफर में कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है। ये क्या है? पानी पूरी है, केक। पानी पूरी कौन लाया? और गलत टाइम पे। गलत टाइम पे तब छोड़ दिया। जिसने भी भेजा है KNS चिकनकारी वालों ने। अच्छा, उन्होंने भेजा एनिवर्सरी के लिए। अरे वाह, पानी पूरी के लिए थैंक यू। लेकिन अब मैंने डाइट शुरू कर दी है। डाइट का ढिंडोरा पीट रही। डाइट टूटेगी तो नहीं? पानी पूरी आपकी बेस नहीं जाएगी, मैं एक जरूर खाऊंगी और घर वाले सारे खाएंगे। केक खोल के देखते हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। तुमने हमारे चेहरे पे मुस्कान लाई, ऐसे अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे। लेकर कमरिया तो हमें ये दिखे, हम समझे गजरा है। वो बोले बालों में लगाओ, हाथों में पहनो, कुछ भी करो। तो मैंने सालू को ले ली। सालू पहन मुझे पसंद है। चलो बहुत अच्छा। मुझे अम्मी के बैग में देखा, मैंने कहा पता नहीं अम्मी कब ले। तो हम लोग झूला झूले में लगे थे, अम्मी कहीं और चली गई थी। तो अम्मी मेरे लिए सरप्राइज लेके आई, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतने सोने के कंगन की भी नहीं मिलती अम्मी। थैंक यू। ये सब क्या लेके चल रही है? अम्मा का सामान है। अम्मा करे अपना करी, मुझे दिखा लेने देना। अच्छा, तुम बांध लो। अच्छा, रुहान के लिए। चलो चलो। पापा अस्सलाम वालेकुम। हाँ पापा, आपने देखा ब्लॉग में? हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स और डिनर स्टार्ट हो गया और बहुत ही यम बना है, बहुत अच्छा बना है। लेकिन उधर आज बहुत अच्छा हुआ, एक वीक के लिए ना मैंने नॉन वेज बंद किया है और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि नीचे सब्जी होगी। मैं अम्मी से यही कह रही थी कि अम्मी मैं ग्रेवी से खा लूंगी और ये सब्जी मिल गई। डाइट स्टार्ट की है। क्यूटू रुहान के साथ मेरी ज्यादा पिक्चर्स ही नहीं है तो हमने सोचा चलो रुहान आज हम दोनों मिलके फोटो क्लिक कराते हैं और पूरा घर उसे हंसाने के लिए कोशिश में लगा था। व्लॉग में तो कह रहा था मैं भी सबक के सामने वो नहीं खाऊंगा जो सबक को नहीं खाना। ये नमकीन खा रहा हूँ मैं। नमकीन है? गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। अम्मी आज ऊपर जा रही है सोने, आज देव भैया नहीं है, पापा के पास वहीं लेटेंगी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी, सुबह मिलेंगे। स्कूल के लिए ऑल द बेस्ट। और फ्रेंड्स भूख अभी ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रही है इसलिए एप्पल लेके जा रही हूँ। मतलब शायद अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि सेब वैसे नहीं खाना है रात में, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अब इतना उल्टा सीधा सब है। धीमे धीमे कोशिश करो, एकदम से कोई चीज को मत करो। मीठा भी नहीं खाया भाभी, अगर जलेबी नहीं खाई फ्रेंड्स मैंने। बताओ जलेबी नहीं खाई। चल अभी तक का जो भी आज ब्लॉग था, मिलेंगे आपसे कल सुबह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे और चलते हैं किचन में और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। दोनों चाय के बर्तन गंदे, एक में दूध पका था, एक में चाय बनाई थी, तो इसे हम वॉश कर लेंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स मतलब चाय का बर्तन तो धो दिया, मैंने सोचा कि उन्होंने कहा चाय तो पीना ही नहीं है, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा था कि चाय के बिना तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चल सकता है और मुझे वॉलनट भी खाने सुबह सुबह जो कि यहाँ पे नहीं है। तो चलते हैं अम्मी के यहाँ से लेके आते हैं। मैं अखरोट लेने जा रही हूँ, ठीक है? लेके आते हैं, तो स्कूल गए। ओ स्कूल ले गए? तबीयत ठीक नहीं है। कहना है मेरा कजन ठीक।
और खाओ मधा में चूरन की गोलियाँ। माँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छे से नींद आई? हाँ खूब अच्छी आई। आपकी दवा भी आ रही है। ठीक। तुम्हारा बुखार? बुखार सही है। वो गले में खराश। तुमने भी चूरन की गोली खाई है? एक आध। इतना चाहिए? दो मतलब चार। चार है? नहीं एक अखरोट। एक अखरोट जुड़ा होता है ना। ले खाए। खा भी आई माँ। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना। मम्मी कह रही अपना पूरा यहाँ से सामान लेके जाओ। अपना पूरा यहाँ पे बैग पड़ा है। हमने कभी ऊपर खुद इतना सब फैला हुआ है। बाद में लेके जाएंगे। ये आ गए आपके पार्ले जी। आपको मन था ना पार्ले जी का? अभी खाऊंगा दूध डाल के पार्ले जी। तो जल्दी से मैं सनी के लिए हलवा बना लेती हूँ। और इलायची तो नहीं है तो इलायची पाउडर डाल देती हूँ। ये जाएगा इस पे रवा। और इसमें फ्रेंड्स हम ये काजू को अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देंगे। शुगर का डब्बा खाली है। कहीं तो होगी शक्कर यार। क्या करें? ये मिल गई फ्रेंड्स। रखी थी लजीज हलवा। लजीज अम्मा के लिए। स्कूल से आ गई। कैसा था स्कूल? अच्छा था। नेल्स के लिए डाटा तो नहीं मैम ने आज? लेकिन अभी चल रहा है निकालने के। ये देखो पूरा निकल रहा है। वो तो निकालना ही है। अब तो नहीं कराओगी? नहीं। बाल देखो कैसे आज करेगी फ्रेंड्स। इसका रिव्यू देखिए जो इसने दिया था नेल्स के बारे में। करवाओगी नेल्स कभी? जल्दी बताओ। अब नहीं बस एक ही बात सबसे बताओ। जो लोग व्लॉग देख रहे हैं उनको अपनी रिव्यू दो। नेल्स सिर्फ कराने में एक दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बाल भी टच कर सकते फ्रेंड्स। अपनी कंघी तक करने की मोहताज हो गई है। तो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छे से पूरे फंस जाते हैं ऐसे इसमें अंदर से। मत करो। तो बोलो अब मैं नहीं करूँ। इसीलिए तुम्हारी देखो तुम्हारी बहुत तमन्ना थी तो इंसान की तमन्ना पूरी करनी चाहिए। अब तुम्हें पता चल गया। अब तुम खुद आगे से नहीं कराओ ठीक है? तुम्हारी तमन्ना नहीं 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 खाना तो खा ही लिया। अम्मी नहीं बिल्कुल खा सकती। और अम्मा तो जितना चाहे खा सकती। जितना खाओ फिर खाओ आपके लिए। अरे वाह कैसे हो फ्रेंड्स। मुझे अपने नाश्ता करने का टाइम मिला और देखिए पूरी चाय बना ली और बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। बस तो सबको नाश्ता कराने के बाद अब आई है बारी सबा की नाश्ता करने की। लेकिन तुमने नाश्ता नहीं किया यार। मेरा मन ही नहीं कर रहा ओट्स खाने का। मतलब डाइट करो तो एनर्जी नहीं रहती है। तो कैसे एनर्जी रहेगी? ओट्स मिल जाए बिस्तर पे बड़ा बड़ा है। फल कटा हुआ मिल जाए। इंस्टाग्राम का भी शूट करना है। पता है तुम चार्ज हो जाओगी चाय पीने के बाद। फ्रेंड्स भैया आज मैं ये टोस्ट खा ले रही हूँ। खाना पीना हो चुका है। अब काम पे लग जाते हैं तो इंस्टाग्राम का काम स्टार्ट करना है। और आज ही हमें बहुत ही अच्छा सा पार्सल आ गया है रुमाइसा की तरफ से जो कि दिल्ली में है। और उनके तरफ से आया है हमें एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू सो मच। हम आउटफिट ओपन करते हैं और फिर आज हम इसमें फोटो शूट भी करते हैं। देखिए इसकी हरकत। उठो यहीं बंद कर दो। यहीं सुकून मिल रहा है। काम तो नहीं करना पड़ेगा। हम ढूंढ रहे थे सब आके। अब आया नहीं मिला। मैं यहाँ घुस के लेट गया आराम से। वो चप्पल जूते की पन्नी भी निकाल दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो हमारे एक एक चप्पल गायब थी उसकी एक एक चप्पल इसमें होगी। अम्मा ये ऊपर अम्मा तुम्हारे ऊपर आई तो आप खाएंगे। अम्मा खाओ कुछ खिलाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ लैपटॉप से लेके जा रहा हूँ उसके बाद फिर आता हूँ। यहाँ पे डिजर्स हो गई फ्रेंड। यहाँ पे अम्मा को आराम से लेटा दिया। अम्मा एक दो घंटे सो आराम से फिर जागना ठीक है। बेटी खाना मेरे लिए बना रही लौकी की सब्जी क्योंकि मुझे दाल खाने का मन नहीं है। खाना भी नहीं है। सब्जी खानी है मुझे हरी सब्जी। मैंने नोज पे ये चेंज कर लिया है फ्रेंड्स। और आपसे लंच करने के बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये है मेरा लंच। ये है ज्वार की रोटी दो और ये लौकी। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि हमें लेना है वेइंग मशीन। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक ही जो मशीन है वो आपको थ्रू आउट फॉलो करनी है। मतलब बार बार अलग अलग मशीन में नापना है। तो जैसे डे वन पे नापना है अगर आप ट्रैवल भी करें तो वो मशीन लेके आपको जाना है। तो क्या बैग में लेके चलेंगे मशीन? हाँ लेके जाना पड़ेगा। अभी लेंगे मशीन और हमारी दो घड़ी भी थी तो घड़ी के बेल्ट भी हमको चेंज करवाने हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं। ढीले कपड़ों में ऐसे निकले ऐसे कपड़ों में अच्छी लगती है। कभी कहता है सूट पहन लो कभी कहता है कुछ ऐसा देश वैसा देश वैसा देश। मम्मा कुछ लाया जाएगा? कुछ नहीं लेगा मामा का। दूसरा का पास्ता मंगा दे बस। हैं क्या कह रही? पास्ता। ये तो बड़ा अच्छा गिफ्ट मिल गया मम्मी को भाभी की तरफ से। मेला लगा है यहाँ पे भी। डिस्को डांस ब्रेक डांस कहते हैं उसे। अच्छा गलती होगी फिर डिस्को डांस कहते हैं। एंड हम लोग पहुंच गए उबराए मॉल। सबसे पहले अपनी वॉच के बैग चेंज करवाते हैं उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो ये
यहाँ तो मिले नहीं हमारी वॉचेस के बैग, फिर हमारी घड़ियाँ पुरानी हो चुकी है, अब इनके बैग यहाँ पे नहीं है। नहीं खरीदे आपको चाहिए क्या? नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे पास है ना। नहीं नहीं मैं, हमारा बहुत मन भटक गया ना चीजें देख के, देख लेने का ना। पांच लोग रहा सामने क्रोमा, और वहाँ से हम लेते हैं वेट मशीन, वो भी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, चलो आज कुछ नहीं मिल रहा, जल्दी चलो। क्या करूँगा इसका मैं, मैं नहीं लगाता ये। मुझे लग रहा है कि हमें दोनों चीजें ऑनलाइन मंगानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए नेचर्स बास्केट, और अम्मी के लिए ले रहे हैं यहाँ से हम डेट्स, यानी हमने सहवावी लिए है, मेजदुल लिया है, और ये अजवा लिया है। ये लिया, लो फटाफट ले लिया। फ्रेंड मुझे मिल गया है यहाँ पे नगेट्स, चिकन नगेट्स, तो मैंने उठा लिए एक पैकेट, अभी घर में जाके फ्राई करके खाऊंगा। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ गोल जाती है, दिखती नहीं है मुझे। ये लो, ये क्या नगेट्स, लेकिन खा नहीं सकती। मैं तो खाऊंगा, कल से डाइट शुरू होगी, आज खा ले। हाँ, आज खा लेंगे रात में, सब कुछ हो गया, बस बिलिंग कराते हैं और चलते हैं। एक बार तुम लोगी तो सभा के साथ साथ मैं अभी अपने पेट को आराम दे रहा हूँ, कुछ अच्छी सी चीजें खा रहा हूँ, अच्छी चीजें खा रहा हूँ। फ्रेंड सब कुछ हो गया, चलते हैं फटाफट, नीचे समीर भाई वेट कर रहे हैं हमारा। हेलो, अच्छा है, जो मेन काम से आज बाहर गए थे वो तो हुआ नहीं फ्रेंड्स, वेइंग स्केल भी नहीं मिली, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, कल आ जाएगी। फ्रेंड्स इसने नेल्स अपने निकाल लिए, देखा ना पूरे वो हो गए हैं ऐसे स्क्रैच जैसे नेल्स, फ्रेंड्स इसके पूरे बेजान से हो गए, और अब इसने तौबा कर ली कि ये कभी नहीं कराएगी। सब बताओ दोबारा लाइफ में कभी कराओगी? नहीं, आज इतने दिनों बाद मैंने शैम्पू कितने अच्छे से किया है, वरना हाथ ही नहीं वो भर जाते थे, खींच रहे थे। किसी को सजेस्ट करो कि कराना चाहिए या नहीं? लोग तो अपने फैशन के लिए कराते हैं, जैसे सारा ये बोलेगी मैं तो कराऊंगी, लेकिन जब जिसका हो जाता उसके बाद उसे लगता है। और मैंने भी मतलब जिद पूरी कर दी थी, जो कि मुझे पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन इसने लाइफ में कभी कुछ नहीं डिमांड किया। आपको पता है कोई भी चीज नहीं मांगती है सिवाय स्टेशनरी की चीजों के, तो बस एक ही चीज बोल दिया तो पेन दिला दो, डायरी दिला दो। अभी एक साल से इसकी तमन्ना थी, तो मैंने कहा चलो पूरा करा देते हैं, और इसको सबक भी मिल गया कि अब ये नहीं कराएगी। अच्छा अगर मुझे एक्सपीरियंस होता कि कैसे हो जाते हैं नेल्स तो मैं नहीं कराती, लेकिन मैंने कभी नहीं कराया है तो मुझे भी नहीं पता था कि कैसा क्या होता है। खुद की नेल्स खराब भी हो जाती है, अपने नेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, और मैंने सुना ऐसी आई लैशेस के साथ भी होता है, जबकि मुझे बहुत शौक है आई लैशेस कराने का, लेकिन कहते हैं कि वजू नहीं होता इसलिए मैं नहीं कराती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि आई लैशेस कराने के बाद आई इन्फेक्शन भी हो जाता है, और खुद के लैशेस जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी अगर किसी ने कराया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आई लैशेस खराब होती है कराने से, एक्सटेंशन लगवाने से या नहीं। तो बस चलो भैया कल की डाइट की तैयारी कर लेते हैं, सामान सारा रख लेते हैं, आज हम ये सारी चीजें लेके आए थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।